Hello everybody and welcome back to Biology Fingertip channel. I'm very sorry students कि कुछ दिनों से आपके lectures continue नहीं कर पा रही हूँ. It is due to the festival. आपको पता है कई बार थोड़े से तो schedule में disturbance आ ही जाता है. But I make it sure कि आपका ज़्यादा disturbance ना हो, इसीलिए आज छोटा सा revision कर लेते हैं. Background में बहुत nice रहता है and videos में copyright आ जाता है, जिसकी वजह से मैं upload नहीं कर पा रही थी. But आप देख भी रहे होगे noise का, you have to ignore that. एंड छोटा सा रिविजन और वो वॉलनट्स से कर रहे हैं. इससे आपको मैं एक आइडिया भी दे रही हूँ कि आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है तो यू कैन कीप इट पेस्टेड इन योर रूम और नियर योर स्टडी टेबल, सो दैट आप चाय पीते हुए भी, उठते सोते हुए भी एक बार एटलीस्ट उसको अगर देख भी लें तो दिमाग में रिवाइज कर सकें 24 आवर में एटलीस्ट एक बार. सो उसी का रिवीजन हम करते हैं. ओके, सो वेरी फर्स्ट इज द नेम ऑफ द क्रॉप. अगर वीट रहेगा तो वैरायटी हिमगिरी एंड रेसिस्टेंट टू डिजीज, मतलब कौन सा डिजीज उसमें होगा, तो लीफ या स्ट्रिप रस्ट या हिल बंट. सेकेंड क्रॉप है ब्रैशिका. पूषा श्वार्निम, इसको करन ड्राई नेम से भी बोलते हैं, ये इसका वैरायटी है. और जो रेसिस्टेंट टू डिजीज, यानी इसका जो डिजीज रेसिस्टेंट है, दैट इज वाइट रस्ट. थर्ड वन इज कलीफ्लावर, पुषा शुरवा या पुषा स्नोवल के वन. एंड द रेसिस्टेंट टू डिजीज इज ब्लैक रॉट, कर्ल ब्लैक ब्लाइट, ब्लैक रॉट. काउ पी जो है वो एक ऐसा क्रॉप है जिसका वैरायटी पुषा कोमल. एंड द रेसिस्टेंट टू डिजीज इज बैक्टीरियल ब्लाइट. एंड द लास्ट वन चिल्ली, जिसको हम बोलते हैं पुषा सदाबहार. एंड उसका रेसिस्टेंट टू डिजीज इज चिल्ली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फ्रॉम सिलेबस ऑफ क्लास 12. सो कीप इट ऑन रिविजन एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल फॉर मोर सॉफ्ट रिविजन्स. थैंक यू एवरीबॉडी.